नमस्कार। तो मैं हूँ आज पुणे में, जो कि महाराष्ट्र की कल्चर कैपिटल भी कहलाती है। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ का गणपति कल्चर। नाउ आई थिंक गणपति इज द बिगेस्ट फेस्टिवल इन पुणे, और जितने जोश और प्यार के साथ में हम गणपति का स्वागत करते हैं, उतने ही आदर, सत्कार और एनर्जी के साथ में विसर्जन का भी सेलिब्रेशन करते हैं। बहुत सारा बैंड होता है, ढोल ताशे होते हैं और झांकियां होती है। वेल, गणपति का सेलिब्रेशन ऑलमोस्ट हर सोसाइटी में होता है पुणे में, बट यहाँ के 5 आदरणीय मानचे गणपति होते हैं, कस्बा गणपति, तंबोली जोगेश्वरी, गुरुजी तालीम, तुलसीबाग और केसीवाड़ा, जिनका एक अलग ही लेवल का सेलिब्रेशन होता है। दगड़ू सेठ भी बहुत फेमस गणपति है यहाँ के, लेकिन वो मानचे गणपति के अंदर नहीं आते हैं। नाउ क्योंकि मैंने आपको बोला कि गणपति का सेलिब्रेशन सिर्फ मेन सिटी में नहीं होता है, हर छोटी और बड़ी सोसाइटी में होता है, लेट मी गिव यू अ ब्रीफ आइडिया। सबसे पहले मैं एक सोसाइटी का गणपति विसर्जन दिखाता हूँ फॉर अ वेरी स्मॉल वाइल, और उसके बाद में हम जाएंगे मेन सिटी एरिया में मेजर गणपति सेलिब्रेशन देखने के लिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो सिर्फ एक लाइक और एक कॉमेंट कर देना। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड देखते हैं गणपति इन 3, 2, 1। और उसके बाद में हम सुबह 9 बजे निकल गए कस्बा गणपति। सबसे पहले वहां पर दर्शन किया और वहां से गए बेलबाग चौक, जहां से विसर्जन प्रारंभ हो रहा था। हर एक थोड़ी थोड़ी देर पर इन्होंने रंगोली बना रखा था गणपति का स्वागत करने के लिए। जो एक्साइटमेंट है यहाँ पर और जो लेवल ऑफ एंजॉयमेंट है, मैंने वैसा एंजॉयमेंट कहीं नहीं देखा। एंड इन द एंड मैं आ गया यहाँ पर अलका चौक में, क्योंकि इवेंचुअली जितने भी गणपति यहाँ से निकलते हैं वो सारे अलका चौक से होते ही आगे जाते हैं। और अगर आप गणपति देखने आ रहे हो तो ये आपके लिए मेजर पड़ाव हो सकता है। I met two of our friends, Nitesh and Anjana. So, hi. So, even though they joined, they introduced me. Actually, இங்க வாங்க விசர்ஜனுக்கு.
then we all together we came. Ganpati Bappa! Moriya! 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 पहले थोड़ा धूप था लेकिन लोगों को फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, भीड़ उतनी की उतनी ही रही। और थोड़ी देर बाद जब बारिश चालू हुई मुझे लगा कि लोग कम होंगे, बट गेस व्हाट, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। नो मैटर बारिश है कि धूप है, सब लोग उतना ही एंजॉय कर रहे थे। इतना अच्छा गणपति सेलिब्रेशन देखने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छे से गणपति फेस्टिवल को एंजॉय करने वाला हूँ। और उसी के साथ में मेरा आज का दिन खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और एक कमेंट बस। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीक विद अ न्यू डेस्टिनेशन, और तब तक स्टे सेफ स्टे हेल्दी, फिर मिलेंगे।